अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करते हैं आप खैरियत होंगे। आज मैं आपको खुशबूदार चाय बनाने का तरीका सिखाने जा रही हूँ। बहुत ही आसान, बहुत मज़ेदार और सर्दियों में तो क्या बात है जी। क्वार्टर टी स्पून मैंने इसमें सौंफ की डाल दिया, एक अदद मैं इसमें इलायची डाल रही हूँ। इसको अब हम पकने के लिए रख देंगे। मैं ये दो अदद कप के हिसाब से बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से इसको ज़्यादा भी बना सकते हैं। पानी पक चुका है, 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दी है पत्ती की। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और इसकी खुशबू तो अभी से कहवा भी तैयार हो रहा है और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है जी। 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया चीनी का। आप अगर चीनी कम इस्तेमाल करते हैं तो आप कम डाल सकते हैं, ज़्यादा करते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। तो चलें कहवा थोड़ा सा और पक जाए। चलें जी, कहवा अच्छे से रेडी हो चुका है। 1 कप मैंने इसमें दूध का डाल दिया। मैंने इसको बहुत हल्के आँच पर बनाई है और ये बिल्कुल क्रीमी टी की तरह बनी है, बहुत मज़ेदार। चाय हमारी रेडी हो चुकी है और ये देखें किस कदर ठीक है, जिस तरह मैंने इसमें क्रीम डाली है। इसको सिर्फ मैंने हल्की आंच पे बनाया है। तो चलें अब हम इसकी प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। मैंने 2 कप के हिसाब से चाय बनाई थी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। अब ये देखिएगा, 2 कप ही ये हैं और एक मेरा और एक पिएगी हरीम, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शौकीन है, बल्कि इब्राहिम भी बहुत ज़्यादा शौकीन है, इसलिए दोनों में बहस हो जाती है जी, मैंने पीनी है और मैंने पीनी है। मैंने कहा चलो जी लड़ाई ख़त्म करते हैं, आधा कप इब्राहिम पिएगा, आधा कप हरीम पिएगी और 1 कप मेरा है। तो चलें जी, और आप मुझे बताइए कि आपको मेरी ये खुशबूदार चाय की रेसिपी कैसी लगी। अपना खूब सा ध्यान रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।